गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लास्ट वीडियो में सी क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। उसमें हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट आगे करने जा रहे हैं, उससे आगे ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं, डेफिनेशन हमने कल कर ली थी। कल मैंने आपको बताया था, भाई ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको हम ग्रह बोलते हैं। अब ग्रहों के बारे में पढ़े, भाई ग्रहों की संख्या कितनी है सौरमंडल में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यानी कि जो सौरमंडल के अंदर ग्रहों की संख्या है वो 8 है। इसको याद रखना है कि नीचे ट्रिक भी है, सूर्य चंद्र की दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। कल भी मैंने आपको बताया था, आज दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सराउंड अस नट्स। यानी कि ये सीक्वेंस में जैसे माय बॉडी के अंदर एम से मरकरी आपका, वेरी से विनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से एम से मार्स, जे से जुपिटर जस्ट में, सराउंड में एस से सैटर्न, अस में यू से यूरेनस और नट्स में आपका एन से नेपच्यून। इस तरीके से हम इनके सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, क्रम को याद रख सकते हैं, ग्रहों के क्रम, सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार। सौरमंडल के सभी ग्रह, 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, पथ होता है बेटा रास्ता, पथ पर सूर्य चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, यानी कि वृत्ताकार में फैले हुए, इनका जो आकार है काफी बड़ा है, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, जैसे कि इसमें ट्रिक के अंदर पहले बताया गया है, इसको हम पिक्चर के माध्यम से भी देखेंगे, जो सूर्य के नजदीक कौन सा है और दूर कौन सा है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी कि बुध ग्रह को सूर्य के चारों तक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। यानी कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है और आकृति है, बनावट है, वो पृथ्वी के समान ही है। अभी तक है प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बुने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या बेटा, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसका कारण यही है, क्योंकि प्लूटो जो है एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता, इसलिए इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में। ये पृथ्वी क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम कौन सा है, आकार में कैसी है, इसका जो आकार है ध्रुव के पास कैसी है, इसके आकार को हम किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी सी चपटी है, चपटी का मतलब यहाँ बेटा पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, जैसे आपकी सेब की आकृति होती है या संतरे की आकृति होती है, जो आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं उसके आप आइडिया लगा सकते हो भाई इसका आकार कैसा है। पूर्ण रूप से ये गोलाकार नहीं है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अब पृथ्वी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, यहाँ से एक प्रश्न बने बेटा, पृथ्वी हमारे लिए इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण क्यों है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यानी कि जीवन के अनुकूल जो जीवित रहने के लिए सामान्य परिस्थितियां हैं वो केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और भी बहुत से कारण होते हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्न में बनेगा, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, इसका प्रश्न आप ऊपर से उठा लेंगे। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव होता है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, यहाँ से लेकर के और लास्ट में आपका पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। नेक्स्ट इससे आगे, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से
ढकी हुई, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो धरातल है आसमान से या अंतरिक्ष से देखने पर, क्योंकि इसके जो सरफेस है पृथ्वी का वो दो तिहाई यानी कि उसका लगभग 70%, दो तिहाई का अर्थ है 66 से 70% जो एरिया क्षेत्र है वो पानी से ढका हुआ है। अब इसके जो पृथ्वी का जो उपग्रह है उसके अंदर हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा है क्या, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। अब उपग्रह किसे कहते हैं, हम ये पहले पीछे पड़ चुके हैं। उपग्रह वह होता है जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है अर्थात चांद। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि पृथ्वी का जो साइज है चंद्रमा की तुलना में 4 गुना बड़ा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह ग्रह, यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। पृथ्वी अन्य खगोलीय पिंड जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी तुलना में जो चंद्रमा है पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए हमें यह आकार में थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 384,600 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, यानी कि पृथ्वी एवं चंद्रमा, पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी बताई थी हमने 15 करोड़ वर्ष हमने पीछे रीड किया था, और यहाँ जो चंद्रमा की दूरी बताई है वो 384,600 किलोमीटर बताई गई है। इससे आगे साइड में आपका कुछ ग्लोसरी वर्ड दिया है रोचक तथ्य में, जैसे नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। बिल्कुल गया बेटा, राकेश शर्मा जी गए हैं 1984 के अंदर गए हैं, और इनसे पहले जो दुनिया के अंदर जो सबसे पहले गए थे वो चंद्रमा के ऊपर जिन्होंने सतह के ऊपर पैर रखा था उसके चंद्रमा के जमीन के ऊपर, वो थी आपके नील आर्मस्ट्रांग और भारत की तरफ से राकेश शर्मा। उपग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब साइड में रखा था मानव निर्मित उपग्रह। ये मानव निर्मित उपग्रह होते क्या है, किसे कहते हैं, एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने से एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, और उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आकाश के अंदर यांत्रिक केंद्र को स्थापित किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि हम ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें, और पृथ्वी के ऊपर जो हम संचार करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम टेलीफोन के ऊपर बातें करते हैं या टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम देखते हैं, इन्हीं के माध्यम से वो संभव हो पाता है। इसके बाद आपका आगे है अंतरिक्ष में कुछ सैटेलाइट हैं जो भारत ने स्थापित कर रखे हैं, उनमें से जैसे भारतीय अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, IRS, एजुसैट इत्यादि। आगे देखो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में कितना समय लेता है, साइज का तो आपको पता लग गया, साइज जो है पृथ्वी के आकार से जो है 1/4 है, 1/4 है पृथ्वी इसके चंद्रमा की तुलना में 4 गुना बड़ी है। अब इसके रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कितने समय में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमने कितना समय लेता है, 27 दिन, और अपने अक्ष पर यानी कि अपने ही धुरे के चारों तरफ घूमने में एक दिन का चक्कर लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसका कारण टेस्टी ताजा है क्योंकि पृथ्वी इससे साइज में 4 गुना बड़ी है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, ये भी आपके खगोलीय पिंडों में शामिल बेटा। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं वो देखो, यहाँ तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि जो आपके तारे होते हैं, ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं, उनके अलावा जो आकाश के अंदर छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल जो आपका ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है उन दोनों ही ग्रहों के बीच की कक्षा के अंदर ये पाए जाते हैं।
चित्र में आगे देखेंगे यहाँ। इसके बाद आपका बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूट करके अलग हो गए। यानी कि शुद्र ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई? शुद्र ग्रह की उत्पत्ति का कारण सीधा सा है, जब ग्रह के अंदर विस्फोट हुआ तो उनसे अलग होने वाले हिस्से को क्या कहा गया? शुद्र ग्रह कहा गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड होते क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। यानी कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसका कारण बेटा यही होता है, जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो पृथ्वी की तरफ इनको आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली छोटी सफेद पट्टी की एक समझदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा कह जाती है। यहाँ से प्रश्न बनता है बेटा, जैसे आकाशगंगा किसे कहते हैं? यानी कि जो लाखों तारों का समूह होता है, एक पट्टी होती है, उस तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, और आकाशगंगा भाग है। इस आकाशगंगा को हम किस नाम से जानते हैं? मिल्की वे के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। एक प्रश्न यहाँ से एक और बनता है, जैसे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आपका आंसर यहाँ से बनेगा इसका, करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इससे आगे ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आज के लिए बेटा इतना ही काफी। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, और आपका जो होमवर्क है, अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं, वो आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपके घर पर भेज देंगे, और उनको अपने 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 कॉपी में राइट करना, और साथ में उनको लर्न करना है रेगुलर। थैंक यू बेटा।